हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं अनीशा आपकी इंग्लिश एजुकेटर सो चिल्ड्रन लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हमारा चैप्टर टू हॉर्नबिल बुक का वाज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर सो हमने बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी पढ़ी कि कैसे एक फैमिली एक खतरनाक से तूफान से बाहर निकल के आती है और अपनी लाइफ बचाती है ठीक है तो उस चैप्टर की अब हमारी समरी बची है और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स बचे तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी से द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम करेज एंड स्किल एग्जिबिटेड बाई गॉड एंड कुक His family and crewmen in a war with the water and waves for survival. तो वो कह रहे हैं कि जो स्टोरी है we are uh, we are not afraid to die if we can all be together. Story ये स्टोरी किसके बारे में है? करेज के बारे में है और स्किल्स के बारे में यानी हिम्मत और बहादुरी के बारे में है और उन उन स्किल्स के बारे में यानी कि करेज uh, किसके बारे में सबसे पहले यानी कि उस हिम्मत उस ब्रेवरी के बारे में जो कि होनी बहुत जरूरी है अगर आप एक सी रूट पे निकल रहे हो और अगर आप एक तूफान का सामना कर लेते हो तो आपको उसके बाहर कैसे आना है स्किल यानी आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज वो स्किल होनी चाहिए कि अगर आप इस मुश्किल में फंस जाते हो तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठो मत बल्कि अपना दिमाग यूज़ करो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनसे आप अपने कुछ चीज़ें बनाओ इंस्ट्रूमेंट्स बनाओ और अपना एक इंट्यूशन रखो कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलोगे और ये किसकी स्टोरी है गॉर्डन कोक और उसकी फैमिली की और साथ में दो क्रू मैन है उसकी इस वॉर ऑफ वाटर एंड वेव्स में ये जो लड़ाई है ये ये वॉर किसकी है वाटर और वेव्स यानी कि तूफान और खतरनाक तूफानी हवाएं और लहरों की ये लड़ाई है उनकी इन जुलाई 1976, सेवन द नरेटर एंड इज वाइफ मेरी सन जॉनथन एंड डॉटर सुजैन सेट अ सेल फ्रॉम प्लाइ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड मेड बाय 200 हंड्रेड ईयर्स अर्लीयर बाई कैप्टन जेम्स कुक तो ये स्टोरी कैप्टन जेम्स uh, ये गॉर्डन कुक के बारे में उनकी वाइफ मेरी उनके बेटे जॉनथन और उनकी बेटी सुजैन के बारे में है जिनको डुप्लीकेट करनी थी यानी कि जिनको दोबारा से करना था कैप्टन जेम्स कुक ने जो पिछले 200 सौ साल पहले किया था उनको वो सी रूट से ट्रैवल करना था वयाज यानी अपनी वो जर्नी वैसी करनी थी ये इन फैमिली का सपना था ड्रीम था

एक्सपर्ट क्रूमैन वो लोग जो आपकी हेल्प करते हैं शिप में उनके साथ करी थी जिनके नाम थे लैरी विजल जो कि एक अमेरिकन थे और हर्ब सीगलर जो कि एक स्विस थे यानी स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे और क्यों इन क्रूमैन इन को उन्होंने हायर किया था यानी जॉब पे रखा था टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज द साडर्न इंडियन ओशन इन्हें पता था कि हमारी जर्नी में आ बीच में साडर्न इंडियन ओशन भी आएगा जो हमें क्रॉस करना पड़ेगा और वहाँ का जो वेदर है वो रफेस्ट वेदर्स इन द वर्ल्ड है यानी इस दुनिया में सबसे बुरा मौसम खराब लहरें तूफान सब वहीं आता है और उन उन्हें यह फैमिली अकेले टैकल नहीं कर पाती जिसकी वजह से दो क्रू मैन को उन्होंने हायर किया अपनी हेल्प के लिए द फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द journey दैट इज़ अबाउट 105,000 kilometers up to Cape किलोमीटर्स अप टू pleasantly. टाउन पासड ऑफ प्लेजेंटली तो इनकी जो ये पूरी जर्नी है ये तीन साल की थी जिसमें अलग अलग पार्ट्स थे जो फर्स्ट पार्ट था जो कि इनका प्लेमा से स्टार्ट हुआ था और टाउन पे ख़त्म हुआ था पहला पार्ट जिसने जिसमें इन्होंने वन हंड्रेड किलोमीटर्स कवर किए थे वो कैसे बीते बहुत प्लेजेंटली यानी बहुत अच्छे बहुत मज़े मज़े में बहुत आराम से इन्होंने उस फर्स्ट पार्ट को बहुत किया ऑन द सेकंड डे ऑफ केप टाउन अब जब टाउन पहुंचने के बाद जो सेकेंड डे था दे बिगैन टू इनकाउंटर स्ट्रॉग गेल्स स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि बहुत तेज तेज तूफानी हवाओं का इनको सामना करना पड़ा गेल्स डिड नॉट वरी द दरिटर बट द साइड ऑफ द व्हील्स वॉज अलार्मिंग अप टू फिफ्टीन मीटर मेन मास्क तो जो ये तेज तूफानी हवाएं थी इसका नरेटर को कोई टेंशन नहीं था लेकिन जिस बात से उनको बहुत चिंता हो रही थी वो थी बड़ी बड़ी लहरें जो उनकी मेन मास्ट से ऊपर तक एग्जैक्टली exactly वो, वो चौकन्ना करने वाली थी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसंबर यानी क्रिसमस के दिन द राइटर्स वॉज इन साधन इंडियन ओशन अब ये जो ओशन था जिसका उन्हें डर था साधर्न इंडियन ओशन जहाँ पे वेदर बहुत रफ होता है 25 दिसंबर को वो लोग इस साधर्न इंडियन ओशन में पहुंच गए 3,500 किलोमीटर टू तो द ईस्ट ऑफ केप टाउन यानी इतना इन्होंने ट्रैवल कर लिया था वहां पर द फैमिली सेलिब्रेटेड दर न्यू ईयर ऑन बोर्ड द शिप तो उन्होंने फैमिली ने अपना क्रिसमस अपना न्यू ईयर उसी शिप में सेलिब्रेट किया इस भारी तूफान और वेदर के साथ ही एंड डॉन ऑन जनवरी टू डॉन ऑन जनवरी टू यानि अर्ली इन द मॉर्निंग जब सनराइज का टाइम था जनवरी टू को द वेवस वर जायजेंटिक यानि बहुत ही बहुत बड़ी बड़ी वेवस लहरें आने लगी अन फ्रेंडली वेदर एंड जायजेंटिकल्ड टू द सेलर्स टू स्लो देअर स्पीड तो ये जो बड़ी बड़ी वेव थी उन्होंने सेलर्स को, सेलर्स यानी जो उस शिप को सेल कर रहे थे यानी पानी में जो उनको तैरा रहे थे मूव कर रहे थे उनको कंपेल किया यानी उनको सोचने पे मजबूर किया कि अब इस शिप की स्पीड स्लो करनी पड़ेगी क्योंकि अभी लहरें बहुत तेज हैं ड्रॉप टॉम जिप

लाइफ जैकेट्स पहन के और अपने प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए वो रेडी हो गए क्योंकि उनको पता था कि डेंजर खतरनाक है और हम शायद इसमें मर भी सकते हैं सडनली एट 6 पीएम उसी वक्त शाम के 6 बजे अ मिनट एक्सप्लोजन शुग द वेव वॉकर एक खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ एक आवाज आई और एक धक्का लगा जिसने वेव वॉकर को पूरा हिला दिया एंड दॉ थ्रोन बोर्ड और जो पानी की जो बड़ी सी लहर आई वो ओवरबोर्ड आ गई यानी शिप की अंदर आई और उसने इस लहर ने ऑथर को क्या किया उस उस शिप में ही गिरा दिया और वो पानी में उसी शिप के अंदर डूब गया क्योंकि पूरा पानी का लहरों का जो पानी था वो शिप में अंदर आ गया था द शिप वॉज अबाउट टू कैप्साइज ये जो शिप थी कैपसाइज होने वाली थी यानी पलटने वाली थी वेन अनदर जयजेंटिक वेव

वॉल्स और जो ऑथर था वो अंदर ही अंदर एक रैग डॉल यानी एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया की तरह उछल रहा था पानी में और क्या हुआ उनके साथ उनके साथ ये इंजरीज हुई यानी कि वो उनकी जो रिब्स थी उनके जो हड्डियां थी टूट गई उनके माउथ में पूरा ब्लड भर गया और उनके टीथ टूट गए ब्रेक हो गए

तब तक डटे रहे जब तक मैरी आई और उसने व्हील को हैंड ओवर नहीं किया लिया तो नरेटर ने जब मैरी को अपनी वाइफ को अपना वो व्हील ओवर किया फिर वो दूसरी चीजें अरेंज करने के लिए और अपनी मदद के लिए भागे शिप में लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर लाइक मैडमैन और लैरी और हर्ब क्या कर रहे थे पागलों की तरह पूरा पानी बाहर निकाल रहे थे शिप में क्योंकि शिप में पानी भर गया था द होल स्टार बोर्ड साइडारोर्ड साइड है ये पूरा राइट right साइड है शिप का बल्ज इनवर्ट यानी अंदर की तरफ धस गया था द नरेटर मैनेज टू कवर कैनवस अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप तो नरेटर ने एक बड़ा सा कैनवस का कपड़ा लिया वाइट कलर का एक स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है और जो स्टार बोर्ड साइड होता है यानी कि जो राइट साइड ऑफ द शिप होता है उससे उसको पकड़ के कवर कर लिया क्यों क्योंकि पानी बहुत ज्यादा अंदर आ रहा था कैनवस से कवर करने के बाद भी कुछ पानी तो आ रहा था अंदर में पर मैक्सिमम पानी अब बाहर ही रह जा रहा था अंदर नहीं आ पा रहा था देन केम मोर प्रॉब्लम्स अब इसके बाद उनकी लाइफ में उनकी पूरी जर्नी में और प्रॉब्लम्स आ गई जो उनके हैंडपम्प थे देर हैंडपम्प स्टॉप्ड काम करना बंद हो गए जो लैरी और जो विगल थे और जो हर्ब थे वो जिस हैंडप्स को यूज करके पानी बाहर फेंक रहे थे वो काम करना अब बंद हो गए और एक उनका इलेक्ट्रिक पंप भी था जो शॉर्ट सर्किट हो गया यानी कि खराब हो द नरेटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम दैट वर्कड तो फॉर्चुनेटली उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी उन्हें एक और स्पेयर यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप मिल गया और वो काम कर गया द एंटायर नाइट वॉज स्पेंट इन पंपिंग स्टेरिंग रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स तो उन्होंने पूरी रात भर बहुत मेहनत करी और चार काम कंटिन्यूसली करते रहे पहला पम्पिंग यानी पम्प्स की मदद से पानी पूरा बाहर निकाल के फेंकते गए अपनी शिप में से स्ट्योरिंग यानी कि जो स्टेयरिंग व्हील था उसको मैनेज करते रहे उसको कंट्रोल करते रहे रिपेयरिंग जो रिपेयर थे यानी कि जो स्टारबोर्ड एरिया था उसको रिपेयर किया जो कुछ टूट फूट गया था उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि पानी को अंदर आने से रोक सकें एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स यानी कि वो लोग मे डे कॉल्स कर रहे थे यानी कि अपने रेडियो के मदद से कुछ सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रहे थे जहाँ से उनको कुछ मदद मिल जाए कुछ हेल्प मिल जाए पर ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्यों क्योंकि वो एक रिमोट एरिया में थे यानी कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सिग्नल्स कैच नहीं हो पा रहे थे तो, तो ये भी इनका अनसक्सेसफुल गया The narrator checked charts and calculated that Isle Amsterdam, a French scientific base, was their only hope. तो so, नरेटर ने अपने चार्ट और अपने मैप्स को ढूंढा और और निकालने की कोशिश करी अपने कैलकुलेशन के थ्रू कि हम कहाँ जाएँ तो so, उन्होंने सोचा कि इतनी बुरी हालत है शिप की ऑस्ट्रेलिया तो पहुँच नहीं सकते तो आयल एम्स्टरडेम नाम की एक आइलैंड है एक टापू है जहाँ जो हम हमारी पोजिशन से नियरेस्ट है तो so, अपने मैप्स के थ्रू उन्होंने वो कैलकुलेट किया और वही उनकी एक ओनली होप थी कि अगर वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो जिंदा बचेंगे स्यू एंड जॉन यानि सुजैन और जॉनथन जो उनके बच्चे थे वर इंजर्ड बट दैट दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे कु ऑल बी टुगेदर तो जो उनके बच्चे थे बुरी तरीके से इंजर्ड थे यानी उन्हें कई चोटें लगीं पर फिर भी उन्होंने अपने फादर को अपनी मदर को अपने एक दूसरे को हौसला देते रहे और कहते रहे कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई अनटिल एंडस वी ऑल आर टुगेदर हम जब तक सब साथ में हैं हमें मरने से डर नहीं लगता

28 एट uh, फाइनली वो लोग आयल एमस्टरडेम नाम की इस आइलैंड पे पहुंचे इतनी मेहनत करके स्टोम से पार करके इतनी मशक्कत करके पहुंचे और ये जो था ये एक आ, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड था जो वॉलकैनिक था यानी यहाँ पे कई सारे वो वॉलोज थे यानी ज्वालामुखी थे और ये जो एरिया था ये जो पूरा लैंड था आयल एम्सटरडम का बहुत ही ब्लीक था यानी कि बिल्कुल वेजिटेशन नहीं थी यहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे थे और वहां वहाँ पे कुछ 28 लोग रहते थे कुछ ऑफिस लोगों ने inhabitants वहां के रहने वाले लोगों ने उनकी मदद करी और उनको शोर तक यानी किनारे तक ले आए द कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नेवर फेलिंग पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट ऑफ द जॉज ऑफ डेथ यानी कि द कलेक्टिव स्ट्रेंथ यानी सबकी मिल के मेहनत और ताकत एंड नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी हमेशा अच्छा ही सोचना हमेशा बेस्ट ही सोचना तो उन्होंने कंटिन्यूसली ऑप्टिमिज्म रखा यानी कि कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहे और कलेक्टिव स्ट्रेंथ यानी सबने मिल के मेहनत करी ऑफ द सेलर्स यानी जो लोग उस शिप में थे यानी मेरी खुद के नरेटर उनके बच्चे दोनों क्रूमैन सबने ऐसा किया मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट ऑफ दॉज ऑफ डेथ और इन्हीं की वजह से उनके लिए पॉसिबल हुआ जॉनथन दो जॉनथन एंड सोजैन डि नॉट डू एनीथिंग टू सेक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू दरेटर एंडीम भले ही जॉनिथन और सुजैन इन दोनों बच्चों ने कुछ नहीं किया ना पानी पंप किया ना मे डे कॉल्स करने की कनेक्ट करने की कोशिश करी कुछ नहीं किया पर इन दोनों बच्चों ने का जो करेज है जो बहादुरी है फेथ यानी जो विश्वास है और ऑप्टिमिज्म यानी जो पॉजिटिविटी है लाइफ को लेके और किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसको लेके इस चीज़ ने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नरेटर को और उसकी टीम को दी तो ये जो बच्चे थे बहुत करेजियस थे बहुत फेद रखते थे और बहुत ऑप्टिमिज्म करते थे ऑप्टिमिस थे यानी कि क्या करते थे पॉजिटिविटी रखते थे और पॉजिटिव रहते थे हमेशा इसी चीज ने एक्स्ट्रा ताकत दी नरेटर को और उसकी पूरी टीम को तब जाके वो बच के बाहर निकल के आए द ब्रेवरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग विल्ड चिल्ड्रेन इज नोट वर्दी इन द सेक्शन जो ब्रेवरी है जो बहादुरी है एक स्ट्रॉन्ग विल यानी उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी बच्चों की और उनकी जो बहादुरी है वो नोटवर्दी है स्टोरी में यानी नोटवर्दी यानी ध्यान में रखने वाली है और सोचने वाली बात है कि इतने छोटे बच्चों में इतनी बहादुरी और इतनी ताकत है और इतने खतरनाक स्टॉर्म को वो पार करके बाहर निकल आए दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर और अब हम कवर करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स तो so, समझते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय कैप्टन कैप्टन यानी कौन यानी खुद जो नरेटर है आप कुछ स्टेप्स बताइए जो नरेटर ने या कैप्टन ने लिए पहली चीज बताइए टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन जब रफ वेदर यानी जो ये तूफान जब चालू हुआ था तब उन्होंने क्या स्टेप्स लिए तो पहली चीज द नरेटर डिसाइडेड टू स्लो डाउन द शिप टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड एंड स्टॉमी वेदर तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा था कि मैं अपनी वेदर वेदर बहुत तेज है लहरें बहुत तेज है तो मैं अपनी शिप की स्पीड स्लो डाउन कर देता हूं जिसके लिए उन्होंने क्या किया स्टॉम जिप को उन्होंने ड्रॉप किया फेंक दिया एंड लास्ट हैवी मोरिंग रोप अक्रॉस दिस टर्न ऑफ द शिप जो स्टर्न ऑफ द शिप था यानी जो पिछला हिस्सा था शिप का वहाँ पे हैवी मूरिंग रोप्स यानी बड़े बड़े जो रस्सियाँ होती है उससे बांधने की लाश करने की कोशिश करी ताकि इतनी भारी शिप थोड़ी स्लो डाउन हो जाए देन दे डबल लैश्ड एवरी फिर जो लैश किया, यानी कि उन्होंने रस्सियाँ डबल डबल लैश करी बांधी दे कैरीड देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स डोंट दर लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन और उन्होंने क्या किया और उन्होंने उन्हें पता चल गया था कि अब डेंजर सामने है तो हमें उसके लिए रेडी रहना है तो उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स पहन ली ऑयल स्किन पहन लिए लाइफ राफ्ट के साथ वो रेडी हो गए सेकेंड पॉइंट पूछ रहे हैं टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वॉटर इन द शिप जब कैप्टन को पता चला हमारे नरेटर को पता चला कि शिप में फ्लडिंग हो गई है यानी कि पूरा हर जगह पानी ही पानी भर गया है और अर्ज़ पानी अगर ये ज़्यादा भरा तो शिप डूब जाएगी तो उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए तो सेकेंड पॉइंट वो कह रहे हैं टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वॉटर द नरेटर पुट वाटर प्रूफ हैच विच कवर्ड द गैपिंग होल्स तो नरेटर ने क्या किया वाटर प्रूफ वहाँ पे कुछ कैनवस के कपड़े लगाए ताकि जो होल्स हैं ताकि जहाँ लीकेज है वो बंद हो जाए और पानी अंदर आना बंद हो जाए दिस डायड द वॉटर फ्लो टू द साइड और इससे पानी डाइवर्ट हो गया यानी अंदर आने की बजाय बाहर ही चले गया साइड्स में। his hand pumps were blocked due to debris. उनके जो हैंड हैंडप थे वो ब्लॉक हो गए थे डेबरी की वजह से यानी कि कचरा फंसने की, की वजह से एंड हिज वन इलेक्ट्रिक पंप फॉर शॉर्ट सर्किटेड और उनका एक इलेक्ट्रिक पंप भी था जो शॉर्ट सर्किट हो चुका था ही फाउंडा हैंडपम्प और उन्होंने एक और हैंड पम्प एंड स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप निकाला यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप उनको क्लिक हुआ उनको याद आया कि चार्ट रूम में रखा हुआ है तो वो वहाँ से वो लेकर आए ही कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पम्प टू दउट पंप एंड स्टार्टड इट और उन्होंने इस इलेक्ट्रिक पंप को एक दूसरे आउट पम्प के साथ कनेक्ट किया और वापस स्टार्ट किया ताकि पानी शिप से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए तो बच्चों अच्छा, आइए हमारे सेकंड क्वेश्चन पे डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ जनवरी वॉयजर्स यानी जो लोग वॉयज कर रहे थे जो लोग उस जर्नी में जा रहे थे वो वॉयजर्स हुए ठीक है तो उनकी मेंटल कंडीशन उनकी दिमागी हालत कैसी थी फोर्थ एंड फिफ्थ जनवरी को आप लोग कुछ आंसर्स भी बता सकते हैं अगर आप कुछ गेस कर रहे हैं वहां बैठे तो आप सोच सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी तो आइए डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले ऑन जनवरी फोर द वॉयजर्स felt रिलीव्ड एज दे वर continuously pumping आउट वाटर फॉर past 36 hours. आवर्स तो पिछले 36 घंटों से जो वॉयजर्स थे यानी कि जो नरेटर और उसकी फैमिली और जो क्रूमैन तो थे वो कंटीन्यूअसली पानी pump आउट कर रहे थे यानी कि पानी बाहर निकाल रहे थे शिप के और थोड़े से रिलीव्ड हो गए थे थोड़े से टेंशन फ्री हो गए थे कि चलो ठीक है काफ़ी हद तक पानी निकल गया है और अब कुछ फ्यू centimeters ही पानी बचा हुआ है दे हैड देयर फर्स्ट मील इन टू डेज और उन्होंने अपनी पहली मील दो दिन में खाई जो कि थी कॉर्न बीफ और कुछ क्रैकर्ड बिस्किट्स मेरी फाउंडसम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्ड बिस्किट्स ठीक तो ये इनकी कंडीशन थी फोर जनवरी को लेटर अराउंड फोर पी एम फोर जनवरी को ही शाम को फोर पी एम पे द वेदर चेंज और अब उनका वेदर चेंज हो गया अब मौसम बदल गया जो ब्लैक क्लाउड्स थे मार्च उनकी मार्च अप्रोच हो रहे थे उनकी तरफ आ रहे थे। the wind was now 40 knots. जो wind जो विंड थी 40 knots गई, थी हवा की स्पीड तेज तेज चलना स्टार्ट हो गई थी वेदर गॉट वर्स एंड बाय अर्ली मॉर्निंग ऑफ जनवरी फाइव सिचुएशन वॉज बैड और वेदर बिगड़ता गया बिगड़ता गया और बिगड़ता गया और फिफ्थ जनवरी अर्ली मॉर्निंग में वेदर वर्स्ट हो गया यानी बहुत बुरी सिचुएशन आ गई उनकी दिस गेव मेंटल स्ट्रेस और इसी चीज ने उनको मेंटल स्ट्रेस दिया यानी कि दिमागी तौर पर बहुत टेंशन में आ गए थे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन थ्री सेक्शंस ऑफ द टेक्सट गिव अटेबल सब टाइटल टू ईच सेक्शन तो वो कह रहे हैं कि जो नरेशन है जिस तरीके से जो नरेटर अपनी स्टोरी बता रहे हैं उसमें क्या इवेंट्स हैं यानी कि एक के बाद एक क्या चीज़ हुई कि पहले ये चूज हुई चीज़ हुई, ये चीज़ हुई फिर ये चीज़ हुई फिर ये इवेंट हुआ तो वो इवेंट सिक्वेंस में आपसे पूछ रहे हैं और जो थ्री सेक्शन हैं टेक्स्ट में उसको आप बताइए तो ये पूरी स्टोरी को वो चाह रहे हैं क्वेश्चन में पूछना

डन टू हंड्रेड इयर्स अ गो बाई फेमस कैप्टन जेम्स कुक तो वो कह रहे हैं कि पहले फेज में बहुत बढ़िया था सब कुछ अच्छा था फैमिली ने का फैमिली का जो ड्रीम था कि हम एक वो एच करेंगे एग्जैक्टली exactly उसी तरह जिस तरह कैप्टन जेम्स कुक ने दो सौ साल पहले किया था वो उनका स्टार्ट हुआ और सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था दे हैड परफेक्टेड द सी फेयरिंग स्किल्स फॉर सिक्सटीन ईयर्स और इस वोट के लिए इस जर्नी के लिए उन्होंने अपनी सी फेयरिंग स्किल्स यानी कि अपने सी में ट्रैवल करने की जो ये जो प्रैक्टिस है उसको बहुत उन्होंने ब्रिटिश वॉटर्स में प्रैक्टिस किया 16 सालों तक दे बिल्ट अ शिप वेव वॉकर प्रोफेशनली और उन्होंने एक वेव वॉकर नाम की शिप प्रोफेशनली बिल्ट करी और ट्वेंट जो कि 23 मीटर्स लॉन्ग थी और 30 टन वुडन एन थी तो 23 मीटर लॉन्ग और पूरी 30 टन इसका वेट था और पूरी वुड की बनी हुई थी ये और उन्होंने इस शिप में क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया था डिस्पाइट ऑफ द बैड वेदर बुरे वेदर बुरे कंडीशंस के बाद बावजूद भी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस उस टाइम आया था और उन्होंने सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री के साथ यह हमारा फर्स्ट सेक्शन था अब सेकंड सेक्शन देखते हैं द सेकेंड सेक्शन द स्ट्रगल विद द बिग अटैक अब सेकेंड पार्ट में जब ये लोग ईस्ट की तरफ गए तो एक बड़ा अटैक हुआ इनके ऊपर यानी कि एक स्टॉर्म को इनको फेस करना पड़ा और वेदर बहुत खराब हो गया था दिस सेक्शन चेंज फ्रॉम चेयरफुल टू इंटेंस अब तक फर्स्ट सेक्शन में लोग चेयरफुल थे यानी बहुत इंजॉय कर रहे थे और खुश थे अब इंटेंस यानी सब कुछ बहुत टेंशन वाला हो गया था

कि शिप शिप ओवरटर्न यानी पलटने वाली थी पानी पानी तो पानी पानी में। में। में तो जो जो था 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 वो ऑलमोस्ट डूब गया गया कौन से पानी में? जो शिप के अंदर पानी भर गया था वहां पे और मरते मरते बस बचा है वो और बुरी तरह इंजर्ड यानी जख्मी भी हुए अलॉन्ग नरेटर दरेटर आउट वाटर फ्रॉम द शिप फॉर थर्टी सिक्स आवर्स और 36 सिक्स आवर्स तक नरेटर और साथ में जो उनके दो क्रूमैन थे लारी और सीग्लर उन दोनों के साथ उन्होंने क्या किया पानी कंटिन्यूसली पंप करते रहे ही ऑल्सो ट्राइड रिपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ द शिप और उन्होंने जो शिप के टूटे हुए पार्ट्स थे उनको रिपेयर करने की भी काफी कोशिश की ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज ओप होप एंड बिलीव दैट दे वुड डाई उन्होंने एक पॉइंट पे आके अपनी पूरी उम्मीद खत्म कर दी थी और ये बिलीव ही कर लिया था कि अब हम मर जाएंगे बट हिज चिल्ड्रेन वर फेयरलेस लेकिन जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे वो फ्योरलेस थे और करे जैसे निडर थे और बहुत बहादुर थे इनफ विच गेव हिम द डिटर्मिनेशन टू फाइट बैक और इतने उन्होंने उसको बहादुरी और इतना मोटिवेट किया अपने उन फादर को उन्होंने कि उन्होंने फाइट बैक करने की यानी फिर से लड़ने की और फिर से उस तूफान का सामना करने की उनको स्ट्रेंथ दी यानी कि ताकत दी और जो थर्ड और जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है उसमें थी विक्ट्री यानी कि जीत उसमें वो लोग जीत गए यानी कि उस इस सेक्शन में विद द सपोर्ट ऑफ इस चिल्ड्रन द नरेटर कैप ट्राइंग टू सेव द शिप इन ऑर्डर टू रीच द टू स्मॉल आइलैंड आइल एमस्टरडेम तो अपने बच्चों की मोटिवेटेड बातों से जैसे उनकी बेटी ने उनको काट दिया जोनाथन ने उनको बोला कि हम सब साथ में हैं तो हमें मरने से भी डरनी है इन सब बातों को बातों से उनको क्या मिला सपोर्ट मिला और कुछ हिम्मत मिली जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कंटिन्यूसली शिप को सेव करने की कोशिश में लगे रहे और आयल एम्स्टरडेम नाम के साइलेंट को ढूंढने में लगे रहे फाइनली रीच द डेस्टिनेशन वो फाइनली डेस्टिनेशन यानी कि पहुंच गए एंड गॉट हेल्प फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द आईलैंड वहां रहने वाले ट्वेंटी एट लोगों से उनको कुछ हेल्प मिली सन कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन और उनके बेटे ने उनको इस दुनिया का बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड का खिताब दे दिया एक तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रियक्शन चिल्ड्रेन अब यहाँ पे बड़े हैं और छोटे बच्चे भी हैं जब इनको फेस करना पड़ा एक खतरनाक स्टॉर्म को तो उनके रिएक्शंस में क्या डिफरेंस था कैसा बड़े बिहेव कर रहे थे और रिएक्ट कर रहे थे और बच्चे कैसा रिएक्ट कर रहे थे उनके बीच का आपको डिफरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन करना है देर वॉज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट एंड द चिल्ड्रन दोनों के में बहुत डिफरेंस था दूसर लूज देयर होप एट द एंड एंड वेट फॉर देयर फेट ऑफ डेथ यानी कि अडल्ट सोच रहे थे एंड में कि अब हमारा पूरी हिम्मत उनकी खत्म हो गई और वो फेट ऑफ डेथ यानी अपनी किस्मत को कोस रहे थे और सोच रहे थे कि अब हमारी डेथ आ गई है अब हम मरने वाले ऑन द अदर हैंड द चिल्ड्रेन वर होप उसके ऑपोजिट अगर हम बच्चों की बात करें तो वो होपफुल थे यानी पूरे उम्मीद से भरे हुए थे कि नहीं हम लोग जिंदा बचेंगे सब कुछ बेस्ट होगा एंड गिव द नरेटर मॉरल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट दिया मॉरल सपोर्ट यानी कि ऐसी बातें बोली जिससे उनको सपोर्ट मिले खुशी मिले जैसे कार्ड बना के दिया बोला हम सब साथ रहेंगे कुछ नहीं होगा तो इस टाइप की बातों से उनको सपोर्ट मिला यानी इमोशनल सपोर्ट मिला विद द सपोर्ट ऑफ हिस चिल्ड्रेन जॉनथन एंड सजैन ही डिसाइडेड टू टू मेक रहूंगा द चिल्ड्रन शोड मेच्योरिटी और बच्चों ने यहाँ पे मेच्योरिटी दिखाई यानी कि सुजैन को लग गई थी तो भी उसने नहीं बताया कि नहीं मुझे इतनी लगी जबकि उसको इतनी सीवियर इंजरी हुई थी फिर भी उसने नहीं बताया तो उसने इस सिचुएशन पे मेच्योरिटी दिखाई और उसके उनके बेटे ने करेज दिखाया एंड वॉज अफ्रेड टू डाई वी ऑल वर टगेट तो उनके जो बच्चे थे वो करेजेस से यानी हिम्मत वाले थे और बहादुर थे और उन्होंने एक चीज बेटे ने एक चीज बार बार बोली कि हम हमें मानने से डर नहीं लगता जब तक हम सब साथ में हैं His daughter made him a a card expressing her her love and and affection towards her parents and wrote a beautiful message. तो कार्ड बनाया सुजैन ने जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए थे उसके फादर एंड उसकी मॉम के और उनको हंसाने की कोशिश करी और उसमें मैसेजेस लिखे हुए थे की शीव और उसमें ये बहुत ब्यूटिफुल मैसेज लिखा था उसमें और कहा था कि हम सब साथ में रहेंगे और सब कुछ बेस्ट होगा डो नॉट लूज ओप यानी कि आप उम्मीद मत खोइए

के बी काम के बीच में रुकावट नहीं बनी यानी कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं अगर उसने ये सोचा कि अगर मैं बता दूंगी अपनी चोट के बारे में इतना ब्लड निकल रहा है मेरे आम में कट लग गया है और वहाँ मेरे पेरेंट्स लगे हुए हैं शिप को रिपेयर करने में और अगर मैंने जाके बता दिया तो वो और टेंशन में आ जाएंगे और अपने लूज कर लेंगे अपनी पूरी होप अपनी उम्मीद पूरी ख़त्म कर देंगे तो उसने मेच्योरिटी दिखाई और ये चीज़ अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं की उसने वॉट लेसन डू वी लर्न फ्राम सच हज़ारडज एक्सपीरियंसिस वेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ तो इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं इस टाइप की जो स्टोरीज होती हैं जिसमें हम डेथ पढ़ते हैं कि किसी पर्सन ने या किसी फैमिली ने एकदम डेथ को फेस टू फेस देख लिया डेथ को बहुत क्लोजली देखा है तो इस हजारडज सिचुएशन से यानी इस डेंजरस एक्सपीरियंस से हमें क्या लेसन मिलता है क्या सीख मिलती है तो लाइफ इज न टाइम तो लाइफ है टाइम खुश नहीं रह सकते वी आर एंडलम आर राइज थ्रू इट टू दीटीमेट लेसन वी आर कॉन्स्टेंटली टेस्टेड भगवान हमेशा हर वक्त पे हमें टेस्ट करते हैं यानी देखते हैं कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं कैसे किस सिचुएशन में हम कैसे टैकल कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं हमारी हर प्रॉब्लम को टीचर्स हाउ वी शुड रिएक्ट टूवर्ड्स दैम तो ये जो सिचुएशन होती हैं जिसमें लाइफ और डेथ की बात आ जाती है इसमें हमको हमें हमें ये देखना चाहिए कि हम इसको रिएक्ट कैसे कर रहे हैं क्या अगर टेंशन वाला माहौल है तो और टेंशन ताकि ना क्रिएट करें ऐसी चीजें करें ताकि टेंशन कम रहे और हमेशा ऑप्टिमिज्मी पॉजिटिविटी हमेशा दिखाएं वी मस्ट नेवर लूज होप उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए एंड कि हमने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो हमेशा हमको ट्राई करती रहनी चाहिए एंड इट विलीड टू सक्सेस और हमारी हार नहीं होगी हमारी सक्सेस ही होगी अंत में इन सर्टन सिचुएशन वन मस्ट कीप काम एंड थिंक लॉजिकली अपना काम यानी कि शांत रहे और काम रहे और शांति से सोचे कि अब आगे क्या करना है और लॉजिकली सोचें यानी कि शांति से बैठ के सोचें क्योंकि अगर हम अपना काम लूज करेंगे अगर हम सोचेंगे कि अरे हम मर जाएंगे अरे कुछ हो जाएगा तो हम जो चीज़ सोच सकते हैं अच्छे से वो भी नहीं सोच पाएंगे अच्छे आइडियाज भी नहीं आएंगे हमारे दिमाग में नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज देर इज ऑलवेज अ वे टू गेट आउट ऑफ इट कितनी भी बुरी सिचुएशन हो एक ना एक तरीका तो भगवान हमारे लिए हमेशा खोलते हैं ताकि हम उससे बाहर आ सके

ऑलरेडी वर्स्ट है खराब है इसको और खराब ना करो यानी बद सिचुएशन को बदतर ना करो एंड ये सब चीज़ें ही रिक्वायर्ड होती है इन सच मोमेंट्स इन्हीं सिचुएशन में हजारडस जो लाइफ में अगर आपके कोई इवेंट इस तरीके से आ जाता है तो यही सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बाकी जीत तो आपकी पक्की फिर है ही So children with this we come to an end with this chapter I hope you would have, you have really enjoyed this chapter. Until then, stay safe and keep washing your hands.